नमस्कार सभी को, मैं सौरभ आर ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे ही रोड से निकल रहा, रोड के किनारे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिला। यहाँ पर गुड़ नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है, तो कैसे हो रहा है ये, क्या क्या जुगाड़ लगे हैं, क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं ये गन्ना पेरने की मशीन है, इससे गन्ने का रस निकाला जाता है। ये भी एक अच्छा जुगाड़ है, आगे गन्ना पेरने की मशीन है और पीछे ये पावर टेलर से इसका शाफ्ट जोड़ा गया है जो यहाँ से चालू होता है और इससे गन्ना पेराता है। और देखिए अभी हम आपको गन्ना पेराने का वीडियो भी दिखाएंगे। और इनके गन्ने के खेत बस यहाँ देखिए, ये रोड साइड में है और जस्ट इसके पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे इनके गन्ने के खेत हैं। ये आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे इनके गन्ने के खेत हैं। गन्ने के रस को उबाला जा रहा है जिससे गुड़ बनता है, देख सकते हैं आप। और इसमें इन्होंने ये भी किया है कि जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि अगर गन्ना कहीं लगता है तो उसका लेफ्ट ओवर जो होता है, ये सब छिलका ये सब होता है, वो सब रह जाता है, खेतों में रह जाता है, उसको जलाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है, उस छिलके को जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं छिलके को जला के इससे गुड़ बना जा रहा है। गन्ने का रस बाहर आ चुका है और इस रस को बाद में यहाँ ले जाके खोलाया जाएगा और उससे फिर गुड़ बनेगा। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे हैं यहाँ के मालिक जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर आप अपना थोड़ा परिचय और कहाँ से हैं आप वो बता दें। भैया हम तो जैसे कि अमुआ सिकरिया को बस्ती पड़ता है जी, वहाँ लोग का घर पड़ता है, तिल्लू चक घाट चौराहा है, सिकरिया का चवान में है। और वो पट्टी हम लोग मिल नहर के साइड में हम लोग कल गाड़े हुए हैं, ठीक ना। हम लोग गन्ना की खेती करते हैं और गन्ना की खेती कर कर हम लोग जैसे कि अपना यहाँ रोड पर मीठा भी बिक जाता है। जैसे गांव से नहर से जैसे कि पूर्व पट्टी गन्ना की खेती लगा हुआ है, 3 बीघा है, हम लोग यही करते हैं, अपना धंधा यही है, अपना भी मिल चलाते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं आजकल कि गन्ना का खेती में अब उतना पैसा नहीं रह गया है। नहीं, क्या गन्ना का खेती में जितना पैसा भी है उतना कोई चीज़ में पैसा नहीं है। मेहनत कीजिएगा तब रोप दीजिएगा, कोरिएगा है या ना, सेवा करिएगा है तो जमेगा है तो होगा कहाँ से। अभी जैसे कि गन्ना 50 किलो कट्ठा मीठा हो जाता है, 40 किलो हो जाता है, तो 4000 रुपया हम लोग का हो जाता है कट्ठा में। 50 किलो हो जाता है तो 5000 हो जाता है, ये तो नहीं है कि 50 किलो मीठा एकदम होगा कट्ठा में। बात सही है आपकी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा नेचुरल तरीके से बन रहा है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। और ये देखिए अब ये गन्ने का रस था, इसको इसमें डाल के नीचे से आग लगाई जा रही है, ये बड़ी भट्टी है। और ऊपर से आप ये देख सकते हैं, ये जो सामने दिख रहा है ये ऊपर साफ़ हो रहा है, जो इसकी गंदगी है वो ऊपर आ रही है। और जैसे जैसे ये गंदगी ऊपर जमती जाएगी इसको हटा के बाहर कर दिया जाएगा और फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपका प्योर नेचुरल गुड़ होगा। ये जैसे किस दूसरा ना है, देखिए गुड़ बन के तैयार है हमारा, अब इसे उतारा जा रहा है। देख सकते हैं ये गुड़ तैयार है और ये एकदम गाढ़ा हो गया है।